क्वेश्चन आराम से समझ लीजिए। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल चेंजिंग एट द रेट ऑफ 4 पाई cc पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से जो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल चेंज होता है। तो अब यार सबसे जो बेसिक चीज है वो तो ये है कि ये जो सारे हमने 10th क्लास में सरफेस एरिया वॉल्यूम में जो हमने न्यूमेरिकल्स किए थे उसके फॉर्मूले याद हैं या वो भी रिवाइज करने पड़ेंगे? चिराग, तो याद है। हाँ हाँ वो तो सबसे बेसिक है यार। अगर वही 10th के फंडे क्लियर नहीं है फिर तो पेनफुल है, फिर हो सकता है ये टॉपिक आपको छोड़ना ही पड़े। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल देख के समझ आना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल क्या होता है। मिस्टर चिराग पास, तो 4/3 πr³। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस एंड द सरफेस एरिया आर चेंजिंग व्हेन द वॉल्यूम इज 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखिए तो पहले वो बोल क्या रहा है, जो फॉर्मूला बोल रहा है उसकी डेरिवेशन कर लीजिए। डेरिवेशन मतलब dv/dt निकालना पड़ेगा। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, ये बेचारा कुछ नहीं करेगा, ये बाहर आके खड़ा हो जाएगा और आपको r³ इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सर कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं दिस वुड बी इक्वल टू 4/3 पाई। फिर से ये डेरिवेटिव निकालने के लिए, ये r² dr/dt ना, सर सॉरी सर, सॉरी सर, 3r² dr/dt है ना जी सर। सर, जी सर, जी सर, मैं सिर्फ एक बार आपको स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ ताकि दोबारा आपको परेशान ना करें। तो dr³/dt को मैं लिख सकता हूँ dr³/dr इनटू dr/dt एंड दिस वुड बी इक्वल टू 3r² इनटू dr/dt। चिराग जी डाउट है? दो सर दिस वुड बी इक्वल टू 3r² dr/dt। तो यहां तक हम पहुंच गए कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ये मेरे पास आ गया। मैं क्वेश्चन को फिर से देखता हूँ। Find the rate at which the radius and the surface area are changing when the volume is 288 pi centimeter cube. Okay. वो मेरे से क्या पूछ रहा है? वो मेरे से पूछ रहा है कि सर मुझे ना dr/dt चाहिए, ये मुझे चाहिए। ओके, मिल जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो है वो 4 पाई, तो ये जो है ये मुझे गिवन है। ये क्या गिवन है? 4 पाई ये मुझे गिवन है, ये भी है मेरे पास, ये भी है मेरे पास, ये r² नहीं है। बट r² निकालने के लिए मुझे थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि ये वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है, इसको अगर मैं इसके अगेंस्ट लिखूं तो डू यू अग्री दैट आई विल गेट द रेडियस? यस सर। ये अगर आप सॉल्व करेंगे, ये देखिए आपकी किताब में इसको सॉल्व किया हुआ है, ये देखिए इन्होंने यही ऐसे ही सॉल्व किया है एंड फाइनली दे हैव गॉट द आंसर टू बी 6। सो कैन आई सेफली से दैट आर इज इक्वल टू 6? चतुरा डू यू अग्री? यार यस सर। नहीं कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। सर। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि पहले आप सॉल्व एग्जांपल्स कीजिए। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आपके सॉल्व एग्जांपल आते हैं। आर इज इक्वल टू 6, तो कहने का मतलब मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4 पाई इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r² 36 dr/dt। तो एक ताम झाम करेंगे, 4 पाई से 4 पाई भाग गया आर से, सॉरी 3 से 3 भाग गया, तो dr/dt जो है वो 1/36 आ जाएगा। सर कोई डाउट? नहीं सर। दूसरा मुझे निकालना है सर, क्या नाम है इसका, सरफेस एरिया। मुझे पता है कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई r² होता स्फीयर का, तो d/dt ऑफ सरफेस एरिया वुड बी इक्वल टू 4 पाई 2r dr/dt।
फोर पाई मैंने कहा, फोर पाई की वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू यही सिक्स, डी आर बाई डी टी मैंने ये निकाला, फिर से ताम झाम करेंगे, 6 × 2 = 12, 12 × 3 = 36, तो ये आ जाएगा 4π/3 टीसी पर सेकेंड। फिर आगे नहीं समझना, तो समझ आ गया। देखिए किताब ने भी वही किया, रेडियस निकाल लिया, डी आर बाई डी टी 1/36 निकाल लिया, फिर थोड़ा ताम झाम ये वो प्राणा ढंगाना किया, 4π/3 cm² per second आंसर निकल गया, और आपका बुक वाला इंडिकेट कर रहा है कि वो